अगर एक सांसद चाह जाए तो एक जनपद में दो दो अभय टोल रहेंगे क्या? किसी और जिले में दो दो टोल 40 किलोमीटर के अंदर आएं क्या? या सबसे कमजोर मेरा ही सांसद है जा रहा है, लेकिन बस्ती जनपद में जगह जगह ऐसे चौराहे हैं जहां पर फुटवेयर बना दिया, बनाया तो छावनी में भी बनाया लेकिन अनुपयोगी। कई वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया पर आपने वायरल किया है कि ये जो चौकड़ी टोल प्लाजा है ये अवैध है, तो ये किस तरीके से है? नाला पर एक निरीह व्यक्ति का घर बनता है तो गिरा देते हैं, टोल जो अच्छी खासी कमाई करता है उसका ऑफिस तालाब पर क्यों है? मतलब उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर के अंदर दूसरा टोल नहीं हो सकता। और एक ही मार्ग पर इस NH-27 पर जो कि पहले NH-28 के नाम से जाना जाता था, 40 किलोमीटर के अंदर दो दो टोल है। एक बस्ती सत के इशारे पर मुझे जैसे व्यक्ति पर टोल शुल्क की माफी, अंडरपास निर्माण, सुरक्षित यातायात, हताहतों को प्रतिपूर्ति देनी जैसे जायज मांग पर 452 दर्ज करा दिया जाता और मैंने जनहित के विषय को लेकर के धरना। मारपीट किसने किया था सर? मारपीट टोल कर्मियों ने किया था। आपने मुक्ति में इस चौकड़ी टोल प्लाजा को यहाँ से हटवाया जाना चाहिए और जो एक टोल बचे भी उसका भी इसको लेकर धरना दोगे तो 452 से भी बड़ी कोई धारा होगी वो लगाया जाएगा। अभी ड्राइवर मारा गया, कल को तुम मारे जाओगे। के लिए जल्द मैं PIL दाखिल करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि 1 रुपये से लेकर के 1,000 जो भी आप उचित समझिए। उन्हें याद आया कि चंद्रमणि पांडे राजनीतिक नहीं सामाजिक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सोशल मीडिया पे मुझे जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो हमें तो लगता है जी चाहते हैं कि जनपद के लोग दो दो टोल प्लाजा पे हताहत हों। क्या सांसद जी चाहते हैं खुले चौराहे लोग आते जाते रहें, एक्सीडेंट हो? क्या सांसद जी चाहते हैं कि? आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी जनपद बस्ती के चौकड़ी टोल प्लाजा पर है जो कि आप सभी वीडियो में पीछे देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी यहां पर है टोल प्लाजा पर, जो कि आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से समाज सेवी चंद्रमणि पांडे जी साथ में मौजूद हैं, जो कि ये लगातार जो टोल प्लाजा की समस्याएं हैं और बस्ती जनपद में और भी अन्य टोल प्लाजा हैं जो कि वो किस तरीके से किलोमीटर के पैमाने पर वैध होना चाहिए उसको लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या समस्याएं हैं इसको लेकर कई बार इनका धरना प्रदर्शन भी चल चुका है। तो इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे समाज सेवी चंद्रमणि पांडे जी से। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आपका और समस्त दर्शकों को मैं नमन करता हूं और सबका स्वागत है। पांडे जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने कई बार धरना प्रदर्शन दिया है, ज्ञापन दिया है, आपने यहाँ की समस्याओं को जो टोल प्लाजा संबंधी समस्याएं हैं, तो क्या प्रमुख समस्याएं हैं इसको थोड़ा सा हमारे वीडियो के माध्यम से बताइए। प्रमुख समस्या यही है कि जो टोल शुल्क लिया जाता है टोल प्लाजा स्थापित करके, उसके पीछे सीधा उद्देश्य होता है कि सुगम और सुरक्षित यातायात के नाम पर टोल शुल्क लिया जाता है और उसके लिए जगह जगह टोल स्थापित करने के साथ साथ इनको मान लीजिए कोई घायल हो जाता है तो चिकित्सा की व्यवस्था देनी चाहिए, रोड को क्रॉस करने के लिए अंडरपास या ओवरब्रिज जो भी आवश्यक है वो देना चाहिए, सड़कों पर जो है छुट्टा जानवर ना चढ़ जाए, कोई एक्सीडेंट ना होने पाओ उसके लिए एक अच्छी बैरिकेटिंग होनी चाहिए, जगह जगह पथ पर प्रकाश की व्यवस्था और कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इस टोल प्लाजे को लेकर आपने कई बार ज्ञापन भी दिया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, तो क्या प्रमुख मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? अगर हमने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, काम बहुत सारे हुए, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है और हमें लगता है कि जनहित में उठाए जा रहे हमारे विषयों को शासन सत्ता उसे राजनीतिक चश्मे से देखने लगता है, अन्यथा अब तक सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। जैसे 2015 से इन विषयों को लेकर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता प्रभारी था और हरैया के मुरादीपुर चौराहे पर जो कि आज भी अंडरपास विहीन चौराहा है वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और दाएं पैर का पटेला मेरा टूट गया था, जिसमें दवा में मेरा 1.5 लाख रुपया तो लगा ही, तमाम अन्य हमारी सामाजिक आर्थिक और कार्य क्षेत्र के नुकसान हुए। तो मैंने ऐसी स्थिति में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिख करके पूछा था कि मान्यवर, जब किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर को तकनीकी खराबी से चोट लग जाती है तो कंपनी उसे प्रतिपूर्ति देती है और अगर प्रतिपूर्ति नहीं देती है तो न्यायपालिका कार्यपालिका उस कंपनी से प्रतिपूर्ति दिलाती है, ऐसे में सुरक्षित और सुगम यातायात के नाम पर टोल शुल्क लिया जा रहा है लेकिन बस्ती जनपद में जगह जगह ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज होना चाहिए वो नहीं है, तो खुले चौराहों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन होगा? क्यों ना इन चौराहों पर अंडरपास बनाया जाए, प्रतिपूर्ति दिया जाए। भूतल परिवहन मंत्री के निजी सचिव वैभव डांगे ने पत्र लिखकर के सूचित किया कि संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन आज तक तो उस मुरादीपुर चौराहे पर और उसके सहित अनेक चौराहों पर अंडरपास नहीं बन पाया है और ना ही मुझ सहित किसी हताहत को प्रतिपूर्ति मिल पाई है।
लेकिन अब कुछ सुना भी गया, जैसे कि उसी के बाद बस्ती शहर के पहले फुटहिया एक ओवर ब्रिज है, वो अमाट पुल निर्माण के साथ उस मुद्दे को मैंने उठाया था, तो फुटहिया पे अंडरपास बना, आपके छावनी में राम जानकी तिराहे पर अंडरपास का निर्माण जारी है लेकिन बहुत मंद गति से हो रहा है। हमें लग रहा है यहाँ भी राजनीति है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, तभी उसको कंप्लीट करो, तब तक जनता की जान जाती है। एक मिनट, लेकिन और यहीं हरैया में हम लोगों के डिमांड पे मुरादीपुर के आसपास इन्होंने एक लोहे का फुटवेयर बना दिया, बनाया तो छावनी में भी बनाया लेकिन अनुपयोगी बनाया, फुटवेयर का कोई प्रयोग नहीं करता ना उपयोगी होता। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, कोई विकलांग है, कोई वृद्ध है, कोई छोटा बच्चा है, तो उस ओवर ब्रिज पे चढ़ के नहीं जाएगा, बाइक कार ये सब नहीं जाएंगे, केवल एक स्वस्थ व्यक्ति उससे चढ़ के जा सकता है, तो अनुपयोगी रहा है। हालांकि काम हुआ कुछ, लोग तो उसका पैसे की बर्बादी हुई लेकिन आज भी अभी जल्द ही संसारीपुर चौराहे माँ बेटी का अंडरपास के अभाव में दुर्घटना हुई, तो ऐसे में वो चाहे संसारीपुर हो, चाहे महाराजगंज के पास बेहरा हो, या कप्तानगंज का प्रमुख चौराहा हो, या मुरादीपुर हो, माहू घाट हो, बड़ार हो, यहीं मझुआ दुबे एक इंटर कॉलेज है, मार्केट भी है, तो ऐसे अभी एक आधा दर्जन से अधिक चौराहे हैं जहां पर अंडर। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आज हमारी मौजूदगी आपके साथ में टोल प्लाजा पर है, तो हम इसकी समस्याओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपने कई मौक़ों पर, कई वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया पर आपने वायरल किया है कि ये जो चौकड़ी टोल प्लाजा है ये अवैध है, तो ये किस तरीके से है? सबसे पहले तो ये जाने, आप कैमरा दिखाएंगे, जो चौकड़ी का ये ऑफिस वहाँ बना हुआ है वो चौकड़ी टोल के ज़मीन पर है, वो चौकड़ी तालाब के ज़मीन पर है। तालाब का डी का नवयत बदला नहीं जा सकता, और जब पैसा मिला था किसान का ज़मीन खरीदने के लिए, तो ऐसे में तालाब पर ऑफिस क्यों बना? और अगर तालाब पर एक निरीह व्यक्ति का घर बनता है तो गिरा देते हैं, टोल जो अच्छी खासी कमाई करता है उसका ऑफिस तालाब पर क्यों है? मतलब उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। दूसरे 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल नहीं हो सकता, और एक ही मार्ग पर इस NH 27 पर, जो कि पहले NH 28 के नाम से जाना जाता था, 40 किलोमीटर के अंदर दो दो टोल है, एक बस्ती शहर के पास है और एक यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है टोल इसलिए अवैध है क्योंकि यहाँ से जो फैजाबाद ज़िले का टोल है उसकी दूरी 80 किलोमीटर से ऊपर है, जबकि यहाँ से बस्ती वाले टोल की दूरी 40 किलोमीटर से कम है, यानी इस टोल को यहाँ से 20 किलोमीटर आगे फैजाबाद की दिशा में होना चाहिए था। ऐसे में यहाँ के लोकल के जो लोग हैं, जिनको छावनी जाना, विक्रम जोत जाना, अररिया जाना है, और यहीं लोकल में चलने के लिए बार बार परेशान होते हैं, हालांकि हम लोगों के लड़ाई के चलते बीच बीच में गतिरोध तो आता है लेकिन लोकल के लोगों से टोल नहीं लिया जाता, लेकिन वो भी जो आंशिक झड़प होता है वो ना होने पावे और लोग परेशान ना हों, अन्यथा मुझ जैसे व्यक्ति पर सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात का नाम पर स्थापित है टोल, जो कि यहीं अगल बगल तमाम चौराहे खुले और घटनाएं घटित होती रहती है, मेरा खुद हुआ है जी। और उसका विरोध करने पर, शासन सत्ता के इशारे पर, जनप्रतिनिधियों के इशारे पर, या यूं कहें यहाँ के स्थानीय सांसद के इशारे पर, मुझे जैसे व्यक्ति पर टोल शुल्क की माफ़ी, अंडरपास निर्माण, सुरक्षित यातायात, हताहतों को प्रतिपूर्ति देनी जैसे जायज़ मांग पर 452 दर्ज करा दिया जाता है, अन्यथा 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान मेरा उस चुनाव के दौरान विवाद भी आपका कुछ हुआ जी, टोल नंबर 8 इसी बूथ पर सर्विस लेन पर जी। मेरी गाड़ी को जानबूझकर शासन सत्ता के इशारे पर सिर्फ परेशान कर, उस टाइम तो आप लोकसभा प्रत्याशी भी थे, आए दिन रोकी जाती थी और गाड़ी अंतिम दिन की जिस दिन घटना है गाड़ी मेरी रोकी गई और चालक से इन लोगों ने अभद्रता की, मारपीट की, जिसको चलते वहीं यहीं सड़क के किनारे धरने पर बैठा, और तत्कालीन टोल मैनेजर, चाहे वो बंधु जी थे, चाहे इंद्रभूषण तिवारी थे, या यहाँ का स्थानीय प्रशासन ADM और CO साहब जुटे, और लोगों ने कहा कि ठीक है जब तक ये सुविधा नहीं देते स्थानीय स्तर पर, टोल इनको लेने का जायज अधिकार नहीं है, टोल नहीं लेंगे, और मामले को सॉल्व कराया, हमारे चालक को दवा का खर्च दिया, लेकिन ऊपर से जिस टोल कर्मी द्वारा अभद्रता की गई थी उस टोल कर्मी को, जिसे टोल प्लाजा हटा देता है, उस टोल कर्मी को जो इस जनपद का रहने वाला नहीं है, उसके जरिए शासन सत्ता द्वारा छावनी थाने पर एप्लीकेशन दिलाकर मेरे ऊपर 452 दर्ज करा दिया जाता है, जबकि मैं अपने चालक के बीच बचाव में आया था और मैंने जनहित के विषय को लेकर के धरना। मारपीट किसने किया था सर? मारपीट टोल कर्मियों ने किया था। आपने मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराया?
मेरा मुकदमा उस दिन लिखा ही नहीं गया था, बाद में मैं एप्लीकेशन आपने दिया, बाद में मैं डीएम से मिला, इलेक्शन कमीशन से मिला, चूंकि चुनाव चल रहा था, मैं उस समय प्रत्याशी था और उनके आदेश पर अगले दिन मेरा मुकदमा लिखा गया। तो आपका क्यों नहीं लिखा गया, आपने जो उसके उनके खिलाफ? अगले दिन मेरा लिखा गया, लेकिन एक ही स्थान पे मारपीट पे, जिस व्यक्ति ने मारपीट नहीं किया उसके ऊपर आप 452 दर्ज करा दे रहे हैं, और जो मारपीट करता है उसके ऊपर सामान्य धारा दर्ज हो रही है। तो ये तो एक बड़ा विषय है। अब कहीं ये आएगा कि नहीं भैया शासन सत्ता नहीं है, राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। 2019 में ही यहाँ के स्थानीय जो उप जिला अधिकारी थे शिवप्रसाद शुक्ला जी, उनके जरिए मेरे स्कूल का भी जांच कराने का काम किया गया था कि स्कूल को तोड़, मतलब आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इनको इतना पीड़ित कर किसके द्वारा? जाहिर सी बात है, चूंकि 2019 का चुनाव माननीय सांसद लड़ रहे थे, तो नाम लेना चाहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय हरीश द्विवेदी चुनाव लड़ रहे थे, उनके द्वारा रहा होगा या तो फिर उनके ऊपर के लोगों द्वारा रहा होगा, और कौन हो सकता है? यानी हरीश द्विवेदी के द्वारा जो भी सुन रहे हैं वो दर्शक वो भी जान रहे हैं कि मतलब हरीश द्विवेदी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया है, कि अगर सूबे के मुखिया या किसी अन्य बड़े भाजपा पदाधिकारी के द्वारा मेरे स्कूल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है लेकिन जमीन फ्रेश निकलती है, मुझ पर 452 दर्ज करने का प्रयास किया जाता है लेकिन न्यायालय से मुझे राहत मिलता है, तो अगर ऊपर के लोग कर रहे हैं तो ये तो बड़ी संकीर्ण मानसिकता हुई। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोकल में चुनाव मैं लड़ता हूँ और मेरे वजह से कुछ कहीं ना कहीं राजनीतिक हानि होती होगी, तो मुझे तो लगता है कि स्पष्ट तौर पर ये माननीय सांसद जी का ही इशारा रहता है, बाकी और किसी को मेरा स्कूल टूटने से क्या फ़ायदा है, मेरे ऊपर 452 दर्ज होने से क्या फ़ायदा है? और एक मिनट, मान लीजिए इन लोगों का किराया नहीं हुआ, तो क्या जिन स्थानीय लोगों के लिए मैं यूपी 51 के लिए बस्ती के लोगों के लिए लड़ता हूँ कि अगर सुविधाजनक यातायात की व्यवस्था नहीं है, अंडरपास नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे पेट्रोल नहीं लगना चाहिए, तो जनपद के लोगों की समस्या मैं उठा रहा हूँ, तो क्या वो लोग माननीय सांसद जी के नहीं हैं? वो भाजपा के नहीं, सपा के नहीं, बसपा के नहीं, किसके नहीं हैं? लेकिन ये लड़ाई अलग थलग क्यों रहती है? सारे लोगों को मिल करके इसे अपने स्तर से भी उठाना चाहिए और शासन सत्ता से जुड़े लोगों को शासन में उठाना चाहिए कि जी हाँ, हमारे जनपद में एक ही रोड पर 40 किलोमीटर के अंदर दो टोल है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानी होती है, कभी कभी भाजपाइयों को भी वहीं बस्ती में शिकार होना पड़ता है, इसका अभी जल्दी एक विवाद हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इस चौकड़ी टोल प्लाजा को यहाँ से हटवाया जाना चाहिए और जो एक टोल बचे भी उसका भी शुल्क लोकल से तभी लिया जाना चाहिए जब ये सुगम और सुरक्षित यातायात की बेहतर व्यवस्था कर दें, अब तक जो लोग हताहत हुए हैं उनको प्रतिपूर्ति दिलाने की व्यवस्था कर दें, अन्यथा मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा, एक न एक दिन न्याय लेकर रहूँगा। आगे की क्या तैयारी है इसको हटवाने के लिए, क्योंकि शासन प्रशासन तो अभी सुन नहीं रहा, आपका सत्ता अभी सुन नहीं रही है? तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर धरना दोगे तो 452 से भी बड़ी कोई धारा होगी, वो लगाया जाएगा। अभी ड्राइवर मारा गया, कल को तुम मारे जाओगे, और इससे तो ये हटेगा नहीं। ये तो अच्छा हुआ इन्हीं लोगों के जरिए मामला इतना बढ़ा कि मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट ने टोल प्लाजा के टोल कर्मी को बुलाया है जवाब देने के लिए। अब माननीय न्यायालय ही तय करेगा कि वैध मैं हूँ, वैध टोल प्लाजा है, क्या उचित है क्या अनुचित है, न्यायालय जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। न्यायालय में जितना मेरा बस चलेगा उतना लड़ाई लड़ूंगा और इस टोल प्लाजा को भी हटाने के लिए जल्द मैं PIL दाखिल करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि 1 रुपये से लेकर के 1,000 जो भी आप उचित समझिए आप इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दीजिए। मेरी अब तक की लड़ाई में मैंने मांग लोगों से तन और मन से उपस्थित रहने को कहा है, इस बार केवल आप बैकडोर से धन की व्यवस्था कर दीजिए। न्यायालय में जनबल की आवश्यकता नहीं होती है, बस केवल हम PIL दाखिल कर ले जाएं, हम जहां भी जिस भी कोर्ट में जाना पड़े वहां अपनी बात को रख ले जाएं और ताकि जनपद के लोगों को न्याय मिले। अभी आपने सीधा आरोप यहां के जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी पर लगाया कि उनके दबाव में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसका मतलब सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आप उनके हैं। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि क्या आगामी 24 का भी चुनाव आप लड़ेंगे? मैं कैसे कह दूं कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उनका मैं हूं या वो? आपके आरोपों से झलक रहा, सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने बार बार कहा शासन सत्ता के इशारे पर जब मैंने आपने पूछा कि वो कौन हो सकता है, तो मैंने एक आकलन किया और लगभग ये हो सकता है कि वो माननीय सांसद ही होंगे, माननीय सांसद ही होंगे, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पता करें।
भाई सपा और बसपा के सारे पकड़ टोल प्लाजा ये काम कर रहा है, थाना काम कर रहा है, तब तो ये बड़ा फेलुअर है कि आपके सरकार में थाना दूसरे का सुन रहा है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के सारे पर ये सारे दमनात्मक कार्रवाई हो रही हैं, तो माननीय सांसद हैं कि उनसे बड़ा कोई व्यक्ति है कि लोअर कौन है ये तो वो लोग तय करें, लेकिन किसी ना किसी का हाथ है। प्रतिद्वंदी में किसी को नहीं मानता और हमें लगता है कि माननीय भी वर्तमान में प्रतिद्वंदी नहीं मानते। 7 साल बाद उन्हें याद आया कि चंद्रमणि पांडे राजनीतिक नहीं सामाजिक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सोशल मीडिया पे मुझे जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो हमें तो लगता है प्रतिद्वंदी वो नहीं मानते, लेकिन उनके कार्य जो हैं मैं राजनीति बस कोई मुद्दा बधाई देना गलत है। राजनीति मैं कहता हूँ बधाई अगर देते हो और मुझको समाज से भी मानते हो तो समाज हित में जो मेरी मांगे हैं उसमें सहयोग भी करो ना। सहयोग नहीं करते हैं, अगर एक सांसद चाह जाए तो एक जनपद में दो दो अवैध टोल रहेंगे क्या? किसी और जिले में दो दो टोल 40 किलोमीटर के अंदर हैं क्या? या सबसे कमजोर मेरा ही सांसद है, मेरे सांसद बता दें कि उनको तो बस्ती जनपद में विकास पुरुष कहा जाता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय मंत्री बना दिया है और कैसे उनके ही जिले में लापरवाही चल रही है? या तो फिर वो कह दें कि पूरे देश में सबसे कमजोर यही है, इन्हीं की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती है। अगर सुनती है तो क्या सांसद जी चाहते हैं कि जनपद के लोग दो दो टोल प्लाजा पे हताहत हों? क्या सांसद जी चाहते हैं खुले चौराहे लोग आते जाते रहें एक्सीडेंट हो? क्या सांसद जी चाहते हैं कि यहाँ इसी टोल प्लाजा के पास यहीं बबरावा टोल प्लाजा के बाद फिर हरैया बवनान चौराहे पे 10 किलोमीटर के अंदर दूसरा अंडर पास है और अंडर पास है, ओवर ब्रिज कहीं नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि लोग या तो खुले चौराहे से क्रॉस करें या तो 10 किलोमीटर दूरी घूम करके आ जाएं, तेल बर्बाद करें, समय बर्बाद करें? और अगर चाहते हैं तो फिर किस आधार पर मतदान की उम्मीद करते हैं? किस आधार पर जनपद के लोगों का मतदान चाहते हैं? आपने चुनाव लड़ने को लेकर जो हमने प्रश्न किया उस पर जवाब नहीं दिया, उसकी बात ही नहीं आई। चुनाव लड़ने को लेकर के मैं 2017 विधानसभा चुनाव लड़ा, मैं 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा, माना कि मैं तो 2 दशकों से जनहित में लड़ाई लड़ रहा हूं और अब तक 4 कार्य मैंने ऐसे कराए अपने लड़ाई दम पे जिसका लोग प्रदेश स्तर पर लाभ उठा रहे हैं। 2004 के पूर्व निजी स्कूलों का मान्यता हर तीसरे साल रिन्यूअल होता था, लेकिन मेरी लड़ाई के बाद बेसिक शिक्षा सचिव आलोक रंजन जी ने 2024 में आप हरीश द्विवेदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? स्कूलों का मान्यता प्रत्यावेदन 2004 में कैंसिल कर दिया, स्कूलों का प्रत्यावेदन शुल्क जो 2020 में 25,000 से बढ़ के 1.5 लाख हुआ था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से हम लोगों ने बार बार निवेदन किया वो वापस हो गया, बढ़ा प्रत्यावेदन शुल्क वापस हो गया। 1 अगस्त 2018 से प्रस्तावित अंडर पास शुल्क वापस हो गया, तो तमाम बड़े बड़े कार्य कराए। इसके बाद जनता निर्दल निर्बल को कुछ समझती ही नहीं, तो मैंने तो इतना ही कर लिया कि भैया अब जनता का है बात अलग है, अन्यथा स्वयं तो निर्दल चुनाव लड़ना नहीं है। अब मैं ये कैसे कह दूँ कि लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा नहीं, दलों की स्थिति दिखती नहीं कि वो धन बलि को छोड़ करके कर्म बलि को चुनेंगे। जनता और दल दोनों संसाधन ढूंढ रहे हैं, संघर्ष नहीं, दल बलि और धन बलि खोज रहे हैं, कर्म बलि नहीं। तो अब ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि दल क्या सोचते हैं और दलों के समर्थक हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है अभी। आम जनता की समस्याओं को पे लड़ने की और उन्हें न्याय दिलाने की निरंतर तैयारी और चलती रहेगी, चुनाव लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य। अभी तक आप सभी समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी को सुन रहे थे, जो कि उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को निपटाने की और जो भी समस्याएं होगी उनके निस्तारण के लिए हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। अभी चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया है। बातचीत के दौरान इस चौकड़ी टोल प्लाजा को उन्होंने अवैध घोषित करते हुए मांग भी किया है कि इसको शासन प्रशासन ध्यान दे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं सांसद जी हैं उन पर भी उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर या तो अभी तक ध्यान नहीं दिया या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जिस तरीके से सुदामा जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया 452 का, उस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सीधा आरोप लगाया हरीश द्विवेदी के ऊपर, तो अब इसका जवाब हम उनसे मिलकर जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सुदामा जी के द्वारा हाईकोर्ट में जाने की बात बताई गई है कि अभी हम कोर्ट की शरण में गए हैं और उन्होंने कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब कोर्ट ही इसका निर्धारण करेगा कि कौन है गलत है कौन सही है। सर, आपने हमारे साथ इस कड़ी धूप में इस टोल प्लाजा पर बातचीत किया और यहाँ की सारी समस्याओं को आपने अवगत कराया, जनता के समक्ष आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। कड़ी धूप, कड़ी सर्दी, कड़ी बारिश में मैं जनता के लिए लड़ता हूँ, दिन रात बैठता हूँ। आपके साथ चंद मिनट समय देना ये मेरा सौभाग्य है। कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों द्वारा ये बातें उठेंगी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शासन सत्ता में बैठे लोग जगेंगे और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जनता को राहत मिलेगी, जनता को राम राज्य का आभास होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। और इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे लगता है कि जो चंद्रमण पांडे सुदामा जी के द्वारा प्रश्न उठाया गया है सत्ता को लेकर सांसद हरीश द्विवेदी पर, व्यक्तिगत रूप से इस पर उन्हें जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए और मैं मिलकर जवाब लेने का भी प्रयास करूंगा। आपने बातचीत किया, इसके लिए आपको धन्यवाद।